हेलो फ्रेंड्स, कोविड-19 या कोरोना वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हैं जो कि हमें बहुत ही कॉमनली या बहुत ही कम पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, आइए समझते हैं। तो जो वेरी कॉमन सिम्टम्स हैं, मतलब जो नॉर्मली ज़्यादातर पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं, ऐसे लक्षण में फीवर है, टायर्डनेस है और ड्राई कफ है। वो लक्षण जो बहुत ही कम पेशेंट्स में देखने को मिल रहे हैं कि लेस कॉमन सिम्टम्स जो हैं वो हैं बॉडी एक और पेन, सोर थ्रोट, डायरिया, कंजक्टिवाइटिस, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल, अ रैश ऑन स्किन और डिसकलरेशन ऑफ फिंगर एंड टोज। जो बहुत ही सीरियस सिम्टम्स हैं उसमें ब्रीदलेसनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेस्ट पे प्रेशर फील हो रहा है, भारीपन लग रहा है, बोलने में दिक्कत हो रही है या पेशेंट बोलने में असक्षम हो रहा है, लड़खड़ाहट हो रही है बात करने में। अगर ऐसे कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो ये बहुत ही सीरियस सिम्टम्स हैं और तुरंत डॉक्टर को कांटेक्ट करके उनसे मिलें। कोविड-19 के जो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं, ऐसे में 90% पेशेंट घर पे ही ट्रीट होके, आइसोलेट करके और डॉक्टर की रिकमेंडेशन से जो दवाइयाँ चल रही हैं उनके थ्रू ठीक हो जा रहे हैं। आपको ऐसे पेशेंट के लिए ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ना ही किसी तरह की ऑक्सीजन या बहुत ही महंगी इंजेक्शन वगैरह की ज़रूरत हो। ऑन एवरेज किसी भी पर्सन के कांटेक्ट में आने के 5 से 6 डेज़ के बाद आपको सिम्टम्स फील होते हैं या दिखते हैं, और ये सिम्टम्स 14 डेज़ के बीच में आपको दिख सकते हैं। ये थे कोविड-19 के सिम्टम्स। अब कोविड-19 से बचने के लिए क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या प्रिवेंशन हो सकता है वो समझते हैं। कोविड-19 से बचने के लिए जो प्रिवेंशन है उसमें सबसे कॉमनली जो यूज़ किए जा रहे हैं, आपको अपने हाथों को बार बार साबुन से और पानी से बार बार धोते रहना है, एटलीस्ट 20 to 40 सेकेंड्स के लिए। अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ की साबुन और पानी नहीं है, वहाँ पर आप अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को टिश्यू से ज़रूर कवर करें या अपने हाथों से अपने फेस को कवर करें। किसी से भी कांटेक्ट में आने के पहले एटलीस्ट 6 फीट की डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क ज़रूर लगाएं। अगर आप किसी ऐसे इंसान के आसपास हैं जिन्हें खांसी या सर्दी है, तो वहाँ पर मास्क ज़रूर लगाएं और डिस्टेंस बना के रखें। बार बार अपने आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। अगर आपको ठीक महसूस नहीं हो रहा है, तबीयत भारी लग रही है या किसी तरह की थकन दर्द महसूस हो रहा है, तो बाहर जाने से बचें और कोशिश करें लोगों से डिस्टेंस बना के रखें। अगर आपको सर्दी, खांसी, ज़ुकाम या फिर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऐसे कोई भी सिम्टम्स आने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। अगर आप होम आइसोलेट हैं तो एटलीस्ट जो भी आपका अटेंडेंट है उससे 6 फीट का डिस्टेंस बना के मास्क लगा के ही रहें। कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो अभी इस वक्त में प्रिवेंशन पर ज़्यादा ध्यान दें, लेकिन अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर आप होम आइसोलेशन में हैं या हल्के भी सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हैं, तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवा न लें, डॉक्टर से रिकमेंड की हुई, डॉक्टर से सलाह लेकर ही कोई भी दवा खाएं या किसी को भी खिलाएं।